कामयाबी हासिल करने के लिए कई बार इंसान को ऐसी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ जाता है जिन्हें शायद वो फिर कभी भूला ना सके। कभी भूखे पेट भी दिन काटने पड़ जाते हैं तो कभी सड़क पर भी सोना पड़ता है। ये कहानी आज कईयों की हो सकती है। वहीं एक भारतीय क्रिकेटर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो संघर्ष करते हुए आज वो बुलंदियां हासिल कर चुके हैं जिसे हर कोई छूना चाहता है। हाय, हॉस्टल में लड़कों से तंग आकर निकला था सुसाइड करने। हम बात कर रहे क्रिकेटर सुरेश रैना की। रैना ने जब क्रिकेट सीखना शुरू किया था तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि वह तंग आकर सुसाइड करने भी निकल पड़े थे। पिछले साल रैना ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान खुद खुलासा किया था कि जब वे 13 साल की उम्र में हॉस्टल में थे तो कुछ लड़के उन्हें काफी तंग करते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने को सोच लिया था। सुरेश रैना क्रिकेट में बचपन से माहिर थे और उनका खेलने का अंदाज इतना भरोसे से भरा होता था कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उनके बेहतर खेल से कई लोग जलते थे और उन्होंने रैना को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।